खबर बीजापुर से, जहां पर जवान ने अपने ही दो साथियों पर गोली चलाई। दोनों ही जवानों की मौत हो गई है। बैरक के अंदर 7 राउंड गोलियां चलाई। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी दिव्यांश पछे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोपी जवान से अब पूछताछ हो रही है। निगाछल स्थित सीएएफ कैंप में थे ये पदस्थ। बीजापुर से बड़ी घटना है, जहां पर दो जवानों की मौत। एक जवान ने अपने ही जवानों पर गोलियां राउंड 7 गोलियां चला दी। 7 राउंड दाग दिए, जिसमें दो जवानों की मौत की खबर है। जवानों ने अपने ही दो साथियों पर गोली चलाई है। अधिक जानकारी के साथ पवन दुर्गम जुड़ गए हैं। पवन, आखिर क्या वजह रही कि एक जवान ने अपने ही दो जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी? जी, आपको बता दूं, अभी कारण क्या था उसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन इस जवान ने अपनी ही एलएमजी से 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें जो दो जवान थे वो उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। पूरा मामला बीजापुर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले मिंगाचल सीएफ कैंप का है। जी तो पवन, आखिर इसमें वजह क्या निकल कर आ रही है? कुछ अधिकारियों से बात हो पाई है, या फिर जो और भी साथी साथ में थे क्या उनसे बात हो पाई है? नहीं, अभी किसी साथी से हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन अधिकारियों से जो आप बात हुई, उनका कहना था कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, उसके बाद ही जो वजह है उसका खुलासा हो पाएगा। जी, क्या अब तक उस जवान की गिरफ्तारी हो पाई है पवन? जी, जवान की गिरफ्तारी हो गई है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।